वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पजल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। पजल्स ऐसे गेम के बारे में बताऊंगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पजल्स होंगी और बच्चों को उसे सॉल्व करना होगा। बच्चों के खेलने के लिए ये गेम है और बच्चों के लिए अच्छा टाइम पास होता है। उनको मोबाइल और फ़ोन जैसी चीज़ों से दूर रखता है। जब भी बच्चों की समय जैसे ब्रेक्स होती हैं, छुट्टियाँ आती हैं, तो बच्चों का हमेशा एक ही सवाल होता है कि मम्मी हम क्या करें, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, हमारे पास कोई अच्छा टॉय नहीं है खेलने के लिए। तो आपके पास आप उनको ये पजल सेट ला के दे सकते हैं, क्योंकि जनरली सभी बच्चों को पजल सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आता है। पजल्स क्या होता है, पजल जब भी बच्चा एक पजल सॉल्व करता है ना, तो हमेशा उसकी कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होती है, क्योंकि वो बहुत ही ध्यान लगा के उसको करता है। तो बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है। तो पजल्स वाले गेम्स हमेशा ही बहुत ही अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत इन्जॉय भी करते हैं पजल सॉल्व करना। इसमें क्या होता है कि बच्चे, दो तीन बच्चे एक साथ मिलकर खेल सकते हैं पजल को, और टाइमर सेट कर सकते हैं कि देखते हैं कौन पहले पजल सॉल्व करेगा और वो विनर होगा। और उसके लिए हम एक गिफ्ट भी, छोटा सा गिफ्ट भी रख सकते हैं बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, हाँ भाई कि जो बच्चा पहले पजल सॉल्व करेगा उसको एक प्राइज़ मिलेगा। इस तरह से बच्चे उस चीज़ में इन्वॉल्व भी होते हैं, मज़े भी इन्जॉय भी करते हैं, और साथ ही साथ उनका अच्छा टाइम पास भी होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको, इस गेम को, इस 8-piece पजल सेट की इस गेम को हम कैसे खेलेंगे और कैसे बनाया जाता है, पजल्स कैसे बनाई जा सकती हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें आप देख रहे हैं, इस पे लिखा है 8-piece पजल सेट। इसका मतलब है इसमें 8 pieces होंगी। 8 pieces को हमें ज्वाइन करके इस बॉक्स पे 4 pictures बनी हुई हैं, जैसे कि एक एरोप्लेन, जेट फाइटर प्लेन, हॉट एयर बैलून और हेलीकॉप्टर। तो हमें इसमें सारे जो है ना, इन सब के जो पजल्स हैं इनके पीसीस, उनके छोटे छोटे पीसीस करके इसमें बॉक्स में डाले हुए हैं। सबसे पहले उन्हें हमें अलग अलग करना है, और जो भी पिक्चर बनी है उसकी मदद से हमें वो पजल सॉल्व करनी है। तो फ्रेंड्स आप इसमें देखिए एक बात, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चा पजल सॉल्व करते करते ये भी सीखेगा कि जेट फाइटर प्लेन कैसे दिखता है, हॉट एयर बैलून कैसे दिखता है। आप पजल सॉल्व करते करते बच्चे को ये भी सिखा सकते हैं कि ये सारे के सारे एयर ट्रांसपोर्ट हैं, आसमान में उड़ते हैं, और दिखता कैसा है, हॉट एयर बैलून कैसा दिखता है। इट मींस कि बच्चा खेलते खेलते काफ़ी कुछ सीख भी रहा है, तो ये एक एजुकेशनल टॉय भी हो गया। तो फ्रेंड्स चलो मैं बताती हूँ आपको कि आप इसको कैसे खेला जाता है। देखिए इसमें इस तरीके के पजल्स के पीसीज आते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इन सारी पजल्स के पीसेस को निकाल के जहाँ पे भी हम खेलना चाहते हैं टेबल पे सेट करना होता है। ठीक है, टेबल पे हम सेट करेंगे, और फिर इन पिक्चर्स की मदद से, जो पिक्चर्स पे बनी हुई है उनकी मदद से उनको देखते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर कोई पीस उल्टा हुआ हुआ है तो उसे सीधा करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद जैसे कि समझिए मुझे हॉट एयर बैलून बनाना है, तो आप देखिए इसमें कौन कौन से कलर्स यूज़ हुए हैं। जो कलर्स यूज़ हुए हैं पहले आप उसके पीसेस को अलग कीजिए और उसे सेट करना शुरू कीजिए, लाइक दिस कि आपका कुछ बन रहा है। अगर इधर ऐसे सेट नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से सेट कीजिए। इस तरीके से सेट करके आप इसे बनाना शुरू कीजिए, इसके पीसेस को लेते हुए और पीसेस लीजिए, देखिए कि कौन सा पीस कहाँ पे ज्वाइन हो सकता है, लाइक दिस। और जितने भी इसके इस कलर के पीसेस हैं आप उसे लीजिए और उसे ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे भी वो ज्वाइन हो रहा है।